ब्रिटेन में जो कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है उस पर आईसीएमआर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट सिमरन पांडा का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। आईसीएमआर के लिहाज से, भारत सरकार के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि एक स्ट्रेन मिला है जो 70% तेज गति से वायरस को स्प्रेड करता है। देखिए, कोई भी वायरस जब संक्रमित होते हैं वो फैलने के लिए उनका जो संख्या आंकड़ा होता है वो भी बढ़ता जाता है, क्योंकि एवरीबॉडी और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वांट्स टू मल्टीप्लाई। नाउ ये मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा थोड़ा परिवर्तन बदलाव उसमें आता है, ये नॉर्मल है। कोई भी वायरस आप ले लीजिए, और ये भी हैं जब वायरस हमारा शरीर में जाते हैं, हमारा जो इम्यूनिटी और इम्यून कैपेबिलिटी है उसका एक प्रेशर बनता है, वो प्रेशर का अंडर आके वो वायरस में बदलाव होते हैं। तो मैं जो बोलूँगा, ये जो कहना चाहूँगा कि ये जो सर्वेलेंस यूके में हुआ है और उससे पाया गया कि एक नया म्यूटेंट या नया स्ट्रेन ऑफ द वायरस निकल के आया है, इसमें हम लोग एकदम अच्छा तरीका से नज़र रख रहे हैं। वैक्सीन का काम आगे जारी है, और लॉकडाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये सब बात का बात है, लेकिन अब भी देखना चाहिए जो सर्वेलेंस जारी है उसी से हमें पता चलेगा कि इन्फेक्शन का कंट्रोल, और सर्वेलेंस जो नेशनल सिरो सर्वेलेंस होता है उसे भी पता चला कि ठीक है बड़े हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें एपिडेमिक कर्व जिस को हम कहते हैं वो भी नीचे आ चुका है। तो मैं बोलूँगा कि पैनिक फैलने का जरूरत नहीं है,